Mission for Excellence. Myself is Trivedi and I am here with all of you for your preparation of SS exam. So friends, let's start. So aaj hai 4th of July 2018. DCD apna karenge. Aaj kuch important news hai. Usme se kuch aapke exam mein aane ke chances bhi bahut zyada hain. To pehli jo news hum log dekhne ja rahe hain, consult UPSC for selecting police chief Supreme Court Delhi state. तो स्टेट में जो डायरेक्टर जनरल जो होती है सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है ये पुलिस की रैंक में, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल्स की नियुक्ति अभी कैसे की जाती है कि सबसे जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनमें से उन लोगों को जो है ये डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता था, लेकिन ये यूपीएससी को इन्फॉर्म नहीं किया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बिफोर 3 मंथ्स जो है हमें ये बताना है कि आप इनको बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ में आपको मतलब कि ये बताना होगा कि इसके लिए एक पैनल डिसाइड करना होगा जो कि चॉइस रखेगा कि हाँ इनको बनाना चाहिए, और जिस भी पर्सन को बनाया जाना जा रहा है वो अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करेगा फॉर 2 इयर्स, चाहे वो उसकी सुपरवाइजेशन यानी रिटायरमेंट की एज आ चुकी हो, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स बताए थे। और सबसे ज्यादा ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे रिस्ट्रेन द स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम अपॉइंटिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विदाउट फर्स्ट कंसल्टिंग द यूनियन पब्लिक। अगर आपने यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया है तो आप डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट न्यूज थी। एक ही बात याद रखिएगा कि जो पुलिस की सबसे ऊंची पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब स्टेट्स में बनते हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी तो यूपीएससी से सबसे पहले पूछा जाना चाहिए, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये थी। दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज जो है आपको बस मैं बता दे रही हूँ, अभी क्या है कि इस समय पर जो यात्रा चलती है कैलाश मानसरोवर के लिए, अब क्या हो गया है जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए आपको नेपाल चीन बॉर्डर से होकर जाना पड़ता है, तो नेपाल चीन बॉर्डर पे क्या हो गया है बहुत ज्यादा हो गई है बारिश, जिसकी वजह से अब सारे जितने भी यात्रीगण थे सब फंस गए। तो अभी अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया 6 नेपाल एड, तो नेपाल की सहायता मांगी है इंडिया ने, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरी इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है थंजावर, इसके क्या पूछा जा सकता है आपसे, देखिए पहले ये थंजावर क्या है, ये एक टाइप है पेंटिंग्स का, ठीक है। पहली बात तो ये एक टाइप है पेंटिंग्स का। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तंजावर पेंटिंग्स कहाँ से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है बच्चों तमिलनाडु से, कहाँ से, तमिलनाडु से। इम्पोर्टेंट न्यूज में क्या आया है, न्यूज में आया है कि यहाँ पर ना तंजावर जो पेंटिंग्स बनाई जाती है उसमें गोल्ड का यूज किया जाता है, तो उसमें 10 में से जो चेक की गई मूर्ति उसमें से लगभग 2 या 3 में ही जो है गोल्ड निकला है, बाकी सब में जो था वो क्या कहते हैं जो ग्लिटर्स था वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ग्लिटर्स क्या करता है, ऐसा नहीं था कि मतलब ये गलत काम हुआ है, बस ये चेक किया जा रहा था। तो ग्लिटर्स क्या करता है, 2 चीजें करता है, एक तो पहले आपके जो पेंटिंग है उसको अट्रैक्टिव बनाता है, दूसरा उसका लाइफ स्पैन बढ़ता है यानी वो ज्यादा दिनों तक पेंटिंग चलती है, ठीक है। ये थी न्यूज हमारी यहाँ 1st पेज की। नेक्स्ट जो न्यूज हमको मिल रही है वो हमारी न्यूज हमको मिल रही है एडिटोरियल पेज से ही, ठीक है। एडिटोरियल पेज पे क्या है, एक गुड बिगनिंग। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोगों ने बात किया हुआ था जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट चल रहा था उस पर एक कमेटी बनी हुई थी, इस कमेटी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी, कौन इसके मेंबर होंगे, कितने मेंबर होंगे, कौन कौन उनको अपॉइंट करेगा, ठीक है। एक मिनट, तो इसके बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से बात कर ली थी, और इसमें जो मैं आपको एक चीज इम्पोर्टेंट जो न्यूज बताने वाली हूँ वो कि इसकी जो मीटिंग हुई थी वो मंडे को हुई पहली मीटिंग, ठीक है। तो उस मीटिंग का रिव्यू किया जा रहा है यहाँ पर। तो उस मीटिंग में क्या हुआ है कि मीटिंग के जो चेयरमैन है कौन है, मसूद हुसैन जी, ठीक है। सबसे पहले तो यह याद रखियेगा नाम, कावेरी रिवर डिस्प्यूट मैनेजमेंट, कावेरी वाटर मैनेजमेंट जो कमेटी बनाई गई है उसके चेयरमैन कौन है, पहली बात तो मसूद हुसैन जी। मसूद हुसैन जी ने क्या कहा, मैंने आपको बताया था कर्नाटका वाला इलेक्शन चल रहा था इसलिए वह उसमें डिसीजन कोई नहीं लेना चाहती थी गवर्नमेंट। अब क्या किया है कि आपको जो है 31.24 देखिए दोनों द हिंदू न्यूज़पेपर में एक के दिन लिखा हुआ है 34 TMCFT और एक के दिन में लिखा हुआ है 31.24 TMCFT,
अब किसको आप सही मानोगे? ठीक है, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ही तो चलते हैं। तो वही मुझे याद आ रहा था कि 34 TMCFT, यहाँ पर जो रिव्यू में दिया है वो 31.24 TMCFT दिया, तो ये आपके एग्जाम के वर्ड ऑफ से नहीं है, बट मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो वाटर है, 31.24 रख लो या 34 जो भी दिया हो, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी। ठीक है, न्यूज से सुन करके प्रीवियस, तो इन दोनों में से जो भी है कि जो भी अब इसका हो। ठीक है, देखो कल के पेपर में दिया हुआ 34, आज के पेपर में जो एनालिसिस की है उसमें 31.24 दिया है, तो हो सकता है न्यूज वाला 34 सही होना चाहिए, एनालिसिस में हो सकता है राइटर के द्वारा गड़बड़ी हो गई हो लिखने में। ठीक है, क्योंकि वो अपने आर्टिकल लिखते हैं फिर प्रिंट होता है। तो ये इतना वाटर जो है कर्नाटका को बोला गया कि आप तमिलनाडु को दे दीजिए। तो यहाँ पर देखो जो दो चीजें बात है, मैंने आपको बताया था 1 जून को अपने यहाँ मानसून आया है। ठीक है, तो एक मंथ का लगभग हो गया है, तो इस बार मानसून जो है वो नॉर्मल रहने की बात हो रही है कि मतलब सामान्य रहेगा, तो इतना देने में वाटर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से दे सकते। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे जब सूखा पड़ेगा, एरिड का सीजन आएगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज विवाद क्यों हो रहा है यहाँ पर, ये एक्ट याद रख लेना है सबसे पहले कि जो भी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है वो एक्ट आया था 1956 में, यानी इंटर स्टेट रिवर वाटर, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, डिस्प्यूट एक्ट आपके एग्जाम में नहीं, जो स्टेट पीसीएस देते हैं या यूपीएससी देते हैं उनके में तो जरूर आते हैं, 1956 में आया था। तो ये वाला ये एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी और ऐसा इश्यू उठता है कि जो रिवर्स को लेकर के है, तो उसके मामले में डिसीजन जो है या कमेटी वगैरह बनाने का राइट जो है वो पार्लियामेंट को है, बल्कि इस कमेटी को बनाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, तो इसके अगेंस्ट में वो कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज बात हुई, प्रॉब्लम पहली तो ये है कि इसके अकॉर्डिंग की रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी वाटर की अवेलेबिलिटी देखो, अगर ये डिसीजन को एक तो पहली बात तो सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है पहली ही मीटिंग में ही। ठीक है, तो जब तक मानसून सत्र चल रहा है तब तक हर 10 दिन पर इन लोगों को अपनी मीटिंग लेनी है। ठीक है, तो पहली मीटिंग अभी हुई थी सोमवार को, तो कह रहे कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है, तो ऐसे इल्जाम ना लगा करके, क्योंकि यार डिसीजन नहीं हो पाता अपने यहाँ, तो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, चाहे कावेरी रिवर को ले लो, महानदी रिवर को ले लो, तो कह रहे अगर किसी ने डिसीजन लिया है और उस पर कुछ एक्शन हो रहा है, प्लान हो रहे हैं, तो इसमें स्टेट्स को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे कर्नाटका का क्या रहता है इस पे एक्शन, वो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी न्यूज जो है, द बाइलेटरल लिमिट्स ऑफ हाइट, आपको मैंने बताया था इंडिया और यूएसए के जो हैं डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में जो है 2+2 मीटिंग होने वाली थी। ठीक है, बट उसको पोस्टपोन कर दिया गया, तो इसके क्या रीजंस बता रहे हैं, वो रीजंस आपको सबको पता होगा, हमने इतनी बार डिस्कस किए। यहाँ पे जो चीजें बात करने वाली वो ये है, यहाँ पर बात करी जा रही है ट्रंप जी के बारे में। हुआ क्या है कि ट्रंप जी के बारे में पॉजिटिव बात करें कि वो ऐसे काम करने में ज्यादा विश्वास देते हैं जिसमें उनको पॉपुलरिटी ज्यादा मिले। ठीक है, हुआ क्या है कि जैसे उन्होंने जब नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है जिम योंग किम, उनसे जब मिले थे तो उनको बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिली थी, क्योंकि उनसे पहले मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट बार दूसरी बार भी इन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, हो सकता है नेक्स्ट अभी फ्यूचर में कुछ ही दिनों में ये सुनने को आए कि दोबारा इन लोगों की मीटिंग हुई। दूसरा, ये लोग है फिर से ये रसिया के जो है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी मिलने की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे नहीं किया। तो ट्रंप का ये कहना है कि जो उनसे पहले यूएस के राष्ट्र प्रेसिडेंट थे जैसे बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, तो इन लोगों ने जिस तरीके से काम किया था वो कह रहे हैं हम इस तरीके से काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम कुछ अलग करेंगे, नहीं तो हमारे सिटीजन को लगेगा जैसा पुराने राष्ट्रपति कर रहे थे वैसा ही आप कर रहे हैं। बट एक चीज आप देखिए, जो पुराने लोग होते हैं ऐसा तो नहीं होता है कि सारे काम से गलत करते हो ना, उन लोगों ने पहले देखो यूएसए और रसिया का कभी एक साथ में बात बनी नहीं है, बट यहाँ पे ये लोग बात करने जा रहे हैं ट्रंप जी। ठीक है, तो उनके बात को वो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से ये लेके चल रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट और कुछ ऐसा करना है जो अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा लगता है। यही दो चीजें बात में इनके माइंड में रहती, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का पता है कि आतंकवाद का इतना होता है, लेकिन अब इस समय यूएसए सब पाकिस्तान को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर इसके यहाँ से बहुत ज्यादा चीजें इम्पोर्ट कर रहा है, ज्यादा चीजें इम्पोर्ट करेगा यानी इनका बिजनेस बढ़ रहा है, तो भाई इनके यहाँ से चीजें खरीद के इनका मार्केट बढ़ रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसी को सपोर्ट करेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें बन रही है और इंडिया के साथ में रिश्ते खराब हो रहे हैं। वैसे अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने
आपको पता होना चाहिए कि 26 जैन को हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट आते हैं, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जी को इनवाइट किया है फॉर 2019। आपको बताना है 2018 में कौन आया था एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है, 2018 में। तो 2019 के लिए अभी ये नहीं पता है कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि इंडिया की बातों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और क्यों इसको इतना ज्यादा हाइप नहीं करना चाहिए कि और लोगों को और कंट्री को पता चले कि इंडिया और यूएसए के बीच में सही नहीं है। तो ये थी बात एक, ठीक है। दूसरी बात जो आर्टिकल आ रहा है वो कबीर जी पे है, ठीक है। कबीर के बारे में जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखिए, वैसे तो एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, बट एक माना जाता है कि 1398 में इनका बॉर्न, ये इनका जन्म हुआ था, और 1518 में इनकी डेथ हुई थी। तो लगभग 500 साल हो गए इनका डेथ का, मतलब 500वीं एनिवर्सरी मनाई, वो 500वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। बट इसको कह रहे कि कबीर इतने इम्पोर्टेंट जो पोएट हैं, संत हैं, वेवर रहे हैं, तो बट उस तरीके से इसको नहीं मनाया गया, ये सच बात है। और देखेगा कबीर जी के दोहे पढ़िएगा, पहली बात तो यही नहीं पता चल रहा है ये कौन है। कुछ लोग कहते हैं ये दलित हैं, कुछ लोग इनको हिंदू भी मानते हैं, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, जब इनके दोहे पढ़ो तो उसमें दोहों में जो है उसमें आपको मतलब पारसी धर्म के बारे में भी मिल जाएगा, आपको बौद्ध धर्म की जो बातें हैं उसके बारे में भी मिल जाएगा। इनके दोहे और उस टाइम पे लिखे हुए थे, लेकिन वो आज भी उतने ही रिलेवेंट है, बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। तो कह रहे कि जिसने इतना बड़ा योगदान दिया है उसके उसको थोड़ा सा मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छे से, उसके एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, सभी को सेलिब्रेट करनी चाहिए जिसने कि इतना बड़ा योगदान दिया है। तो ये बात थी कुछ इम्पोर्टेंट कबीर जी के बारे में, ठीक है। तो उनका आपको डेथ याद हो गया, क्योंकि अभी पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में कि संत की जो है वो डेथ एनिवर्सरी, 500वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है, तो 500 साल किसके कम्प्लीट हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप अपने एग्जाम के लिए याद रखना। इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है एक ऐप, इस ऐप का नाम पहले आप याद कर लीजिए, सी विजिल, सी स्मॉल है और फिर विजिल, सी विजिल नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। क्या मतलब है ये, आप किस लिए है? तो इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया, सबसे पहली बात जान लो कि वोटर से रिलेटेड होगा, ठीक है। एक चीज ये हो गई कि वोटर से रिलेटेड है, तो क्या है कि अगर जैसे कहा जाता है, इतनी सारी बातें आ रही हैं कि आप इतनी गड़बड़ियां होती हैं, मैल प्रैक्टिसेस होती हैं कि यहाँ पे ये गड़बड़ी हो गई, इसने ये कर दिया, वो बैलेट पेपर लेके चला गया यहाँ पे, तो अगर ऐसी कोई भी मैल प्रैक्टिस होती है, आप उसकी फोटोज खींचकर या फिर आप उसका वीडियो बना करके या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं आप, और आपकी जो आइडेंटिटी है वो गोपनीय रखी जाएगी, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो सी विजिल एक ऐप लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, आर ऐप टू रिपोर्ट इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस, यानी जो भी वोटिंग के टाइम पे जो भी मेल प्रैक्टिसेस या गड़बड़ियां होती हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज थी। उसके बाद में जो दूसरी न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि देखिए, हमारे यहाँ पे जो है सब लोग का पता है अन्नदाता किसान, और अन्न के बिना ना कुछ नहीं हो सकता है, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत फार्मर्स करते हैं बट सबसे कम बेनिफिट उनको मिलता है। तो यहाँ पर एक सुझाव दिया गया था कि आप ना मतलब जैसे अगर किसान एक रुपया लगाता है तो कम से कम उसका जो MSP रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, मार्जिनल सपोर्ट प्राइस, मतलब इस प्राइस पे गवर्नमेंट जो है किसानों से जो है उनकी फसल खरीदती है, मार्जिनल सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि उसको 1.5 कर दो, मतलब इसका एक कॉस्ट निकल और 0.5 उसका जो है प्रॉफिट मिल जाए। तो ये जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं पासवान जी, तो इन्होंने कहा है कि हम पक्का ये लेके आएंगे और ये मीटिंग होगी वेडनेसडे को आज को, और अप्रूवल किया जा रहा है। तो 23 क्रॉप्स पे वो कह रहे हैं कि हम 1.5 टाइम्स जो है MSP कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर गवर्नमेंट ये करती है, तो आज की न्यूज में होगा तो कल पता चल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा बात है कि ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए कुछ हो रहा है। उसके बाद में जो न्यूज आ रही है वो ये, थोड़ा सा हम इसके बारे में जरूर जानना, क्योंकि पता है इंडिया और चाइना के रिश्ते इससे हो रहे हैं, उसके लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। टैरिफ्स कट ऑन एशियन इम्पोर्ट अंडर APTA। APTA क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म जान लो, आपके एग्जाम में, बैंकिंग वाले एग्जाम में जरूर आ सकता है। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, एशिया प्रशांत व्यापार समझौता,
ये APTA है, इसका जो है सबसे पहले पुराना है, 1975 में फॉर्म हुआ था। 6 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं, आप कैसे याद रखोगे? आपको मैंने बता दिया, इंडिया और चाइना तो है ही, ठीक है। आप प्रशांत महासागर यहाँ है तो श्रीलंका भी होगा ही, ठीक है। श्रीलंका के बाद में इंडिया का पड़ोसी बांग्लादेश भी है, और उसके बाद में आपका कोरिया है, और कोरिया के बाद में आपका है लाओस, ठीक है। 6 कंट्री हो गई। ये 6 कंट्रीज जो हैं ये यहाँ पर हैं, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, कोरिया और लाओस। तो ये 6 कंट्रीज ने APTA बनाया है। इसको एक फॉर्मली नेम भी जाना जाता है, आप वो भी नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है APTA को कौन से नाम से जानते हैं, तो वो है बैंकॉक एग्रीमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, APTA आप्टा को। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट 1975 में 6 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज क्यों आई है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर ये इसका गठन क्यों किया गया था कि आप लोग ना एक दूसरे के साथ में मतलब व्यापार कीजिए, एग्रीमेंट कराइए, प्रशांत महासागर से जाने वाले जो रास्ते हैं वहां से, ठीक है, तो आप लोग एक दूसरे की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, 3,142 थिंग्स पर जो है उसने अपना टैरिफ कम कर दिया। टैरिफ पता है ना, आयात शुल्क या निर्यात शुल्क जो लगाए जाते हैं अब बाहर जाने वाली या आने वाली चीजों पे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया गया इंडिया के लिए। तो इंक्लूडिंग चाइना, जितने भी यहाँ पर कंट्रीज हैं सबके साथ में, इंक्लूडिंग चाइना को साथ में, तो ये 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा APTA, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में अगर इकोनॉमी को लेकर के कोई भी एक ग्रुप है तो बस आपटा ही है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपटा के बारे में आपको कंप्लीट हो गया हो। आपको बताना है, आपके लिए दूसरा जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो चुका, दूसरा आपको बताना है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, ठीक है। चेयरमैन तो सबको पता होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज। गेम्स में अभी तो फीफा चल ही रहा है, ठीक है, जैसे भी वो कंप्लीट होता है उस पर पूरी न्यूज अलग से लेके आएंगे, ठीक है। तो यही थी इम्पोर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।